आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज टाइम से हो गई मैं फ्री, तो आज मैं सोचा अपनी पौधों में पानी ही दे लूँ। और पानी दे भैया, पर मैं मेरी हेल्प कर रहा है। और मेरे को आपको मिलवाना था अपने इन प्यारे प्यारे फूल रोसरी का। अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले भी? अब ये शायद सीजनल होते हैं, है ना तन्मय? ये वाले सूख गए ये पौधे, लेकिन इन पर इतने सुंदर सुंदर, ये देखिए ये वाले फ्लावर आए थे डार्क पर्पल और लाइट पर्पल करके, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आए थे। अब तन्मय इनमें सुबह और शाम दो बार पानी देना है, ओके? जैसे हमें इतनी प्यास लगती है, ऐसे इन्हें भी बहुत प्यास लगती है। बाहर वाले प्लांट्स में भी पानी दे दो। तो आज मैंने दिन की शुरुआत करी यहाँ से, मैं एक और बिंदी कहाँ लगा रखी है मैंने। यस, पानी आ गया नीचे। यहाँ से मैंने पानी दिया, पानी यहाँ से बहकर तन्मय के ऊपर। बाहर वाले पौधों में भी दे दे। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो अभी इतनी हमें प्रैक्टिस है नहीं। हाँ, तो आज मैंने यहाँ से इसलिए दिन की शुरुआत करी है। दिन की शुरुआत मतलब मेरा सारा काम हो गया, मैं फ्री हो गई हूँ। आज मैंने कोफ्ते बनाए और आलू भी उबाल के रखे मम्मी जी के लिए, और आटा भी, सारा काम मेरा निपट गया। मैं फ्री हूँ और अभी 6 बजकर हो रहे हैं 10 मिनट। 6:10 पे मेरे घर का सारा काम हो गया और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि हाउस ड्यूटी चल रही है ना। और कल ब्लॉग भी नहीं मैं डाल पाई, कल तबीयत बहुत ख़राब थी, पैरों में बहुत दर्द था। और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है, ब्लड टेस्ट मैंने करवाया, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ना तो मुझे यूरिक एसिड आया है बड़ा हुआ, ना थायराइड बड़ा हुआ आया है, शुगर लो आई है, और कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया किसी भी रिपोर्ट में। एवरीथिंग इज़ ओके, फिट एंड फाइन। फिर इतना पेन क्यों है मेरे पैरों में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी डॉक्टर से नहीं मिल पाई क्योंकि डॉक्टर हमारे बाहर गए हुए थे, तो मे बी आज जाऊंगी मैं डॉक्टर से मिलने के लिए। कल इतना पेन था, इस वजह से मैं कल व्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, चेहरे पर ही 12 बजे हुए थे। तो आज बनाऊंगी, आज मैंने सुबह सुबह प्यारे प्यारे फूल, मेरे इतने पसंद है ना मुझे प्लांट्स और फूल, और हम लोग इनकी केयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। मेरा मन चक्कर कहाँ हो ना, पूरे घर को फूलों से और प्लांट्स से भर दो, बट इतना हम कर नहीं पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते इनको। फिर भी ये बेचारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। ये वाला पेड़ देखिए, ये बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसने कहा नहीं मैं होऊंगा, मैं रहूंगा यहीं पर ही। और ये वाला प्लांट है ना, ये भी बिल्कुल सूख गया था, ये देखिए फिर अपने आप हरा हो गया पानी डाल डाल कर। ये देखिए इसमें अभी बस इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है ना इन प्लांट्स का, तो बस अब ये ख़त्म होने वाले हैं। पर ख़त्म होने से पहले इन्होंने हमारा ना दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया इन्होंने हमारा। भर भर के फूल हुए, भर भर के फूल हुए। अब ये देखिए ये सूख गया ना बिल्कुल, अभी सूख गया, फिर भी बहुत रहे हमारे ये फ्लावर्स। अब ये सारे ये प्लांट्स सीजनल प्लांट्स हैं, सीजनल, इसी सीजन में होते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। और ये हमारा एक सदाबहार पेड़, मेरा फेवरेट पेड़ है, फेवरेट। तन्मय हो गया, सब जगह पानी हो गया। कौन सा पेड़ है ये? ये पेड़ है बस, प्लांट है, प्लांट। कौन सा? नाम नहीं पता मुझे। अभी तो आपने कुछ बोला, तो मेरा फेवरेट है, फेवरेट। ये क्या बोला? सदाबहार। सदाबहार मतलब गर्मी सर्दी बारिश सब में ये रहता है। गलत, जैसे ये वाला सीजन, ये वाले फ्लावर्स है ना, ये सीजनल है। मम्मी गलत बोल रही है, ये सदाबहार नहीं, ये सदा अंदर है। सदा बाहर मतलब बाहर, घर के बाहर नहीं डमरू। स्कूल से आए हुए भी इतनी देर हो गई है, और बच्चे ट्यूशन भी चले गए, ट्यूशन से आ भी गए, अंश भी अपने कॉलेज से आ भी गया, और मुझे चाय पीनी थी। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को दूध भी ला कर दिया, क्योंकि घर में दूध ख़त्म हो गया था और इसे भूख लग रही थी, तो इसने मैं मैगी भी लेकर आया जो मैंने बनाई। और फिर इसने मुझे, इस शख्स ने मुझे बातों में लगा लिया, और सारी मैगी कढ़ाई में चिपक गई। मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर से मैगी बना रही है, उसी चिपकी हुई। अब वो एक कढ़ाई हो गई गंदी, अब क्या करूं मैं उसी उस में। उस कढ़ाई के अंदर मैगी चिपकी पड़ी है, मैगी का मसाला चिपका पड़ा है, इसके अंदर ही दूसरी मैगी बनाने को तैयार हो गई। अब मैं पहले उसे मांजू, फिर मैं दोबारा बनाऊ, जब मांजना है तो मैंने सोचा एक बार ही मांज लूंगी। अब वो चिपकी हुई कढ़ाई में, जिसमें दिखाऊं क्या? नहीं, क्या कहोगे? हाय 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 हाय, यो मत दिखाओ। नहीं तो मैं दिखा ही नहीं रही हूँ। और पता, मुझे ना इस लड़के से बात करनी है, और जब से कॉलेज से आया मैं इससे बात करने के लिए 4 बार इसके पास बैठी हूँ। मैं पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ। अब व्यक्ति इतना बिजी है, इसके पास मेरे से बात करने का टाइम नहीं है।
कभी इसके दोस्त कॉल कर लेते हैं, कभी इसका फोन आ जाता है, कभी इसे स्कूटी से कहीं जाना होता है। मतलब मैं अंदर लैपटॉप चलाने जा रहा हूं। हाँ, माँ के लिए इसके पास समय नहीं, अभी से ही हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा। मैगी उसमें डाल, पर मैं अपनी बात फिर से कब बताऊंगी, मुझे भी तो इससे बात करनी है। मैगी कढ़ाई में डाल, तो मैं इसे जानकर ब्लॉग में लेकर आई हूँ, जानकर कि इसी बहाने ही सही थोड़ी देर तो मेरे पास रुकेगा, और तो इतने लेट कॉलेज से आता है, और मैं आके सुलाया, मैंने उठाया भी नहीं आपको। हाँ, और मैं सो रही थी, इसने मुझे उठाया भी नहीं, इसने मुझे तब उठाया, पहले इसने किचन में आकर झांका कि मम्मी ने कुछ बना के रखा या नहीं। अगर कुछ होता तो मैं उठाता भी नहीं। इसे कुछ नहीं मिला, इसने एक कटोरी कोफ्ते एवं ही खा लिए, बिना सब्जी, मतलब बिना नमक था ना कोफ्ते। आज ना, आज बहुत ही बड़ी ना मिस थी, आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, जैसे मैंने आपको बताया है व्लॉग में, और मैंने कोफ्ते बनाए। पूरे दिन मैं जल्दी उठी थी, जल्दी उठती हूँ तो मैं कहूंगी मैं जल्दी उठी हूँ, पर जब मैं लेट उठती हूँ तब भी मैं बताती हूँ। बताया था ना संडे वाले व्लॉग में कि हम 10 बजे सब के सब उठकर उठे हैं, तो सबके सब बोला ना, अकेले वाले को बताया था लास्ट के, बता दो। उसमें भी तुमसे पहले ही मैं उठी थी, अब मेरी बात देखो, इसने मुझे फिर भुला दिया, मुझे पता नहीं क्या कहना था इसका, तो कोफ्ते बना दिए, सब कुछ रेडी कर दिया, और कोफ्तों में नमक डालना ही भूल गई। और इस शख्स ने क्या किया, इसकी चलाकी देखो आप लोग, ये कॉल, मैं चली गई स्कूल, मेरे हाउस ड्यूटी चल रही है, हाँ ये छोड़ के आया, तो अंश भी चला गया, ये बाद में गया, इसकी बस बाद में, इसने अपना टिफिन खोला, इसे भूख लग गई, इसने कहा चल एक रोटी मैं खा कर जाता हूँ। इसने जैसे ही एक रोटी खाई तो सब्जी में नमक कम था, तो इस शख्स ने क्या किया, इसने नमक लिया और अपने सिर्फ टिफिन में डाला और ये चला गया। अरे भले मानस, तू कढ़ाई में भी डाल दे, इवन अपने पापा को बता दे कि पापा सब्जी में नमक कम है, मम्मी आज बहुत कम नमक डाल कर गई हैं, मैं स्कूल से आई फिर मैंने कम नमक वाला जैसे ही खाया, मैं ओहो, और ये सब कारनामे इसकी, अपनी सब्जी टिंच करके लेकर कॉलेज चला गया। वो तो टेस्टी में बनाती बनाती हूँ, कम नहीं टेस्टी कोई चीज बनाई मैंने। बात करेगा पहले तू, मुझसे पहले बात करेगा, मुझे बहुत सारी बात करनी है, लड़का मुझसे बात नहीं करता। बात तो तब भी करूंगी, किसी विषय से काम नहीं चलेगा। मैं दिल पकड़ के बैठा हुआ है, अगर क्या हो गया उसमें भी क्या हो गया मुझे, अरे खानी तो आप पता चल गया, मम्मी मैं यार चार पैकेट वाली, देखा मेरे बाल कट गए, प्यारा लग रहा है, अच्छा सा शर्मा, छोटा सा बेबी से लग रहा है, 6-7 में पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है बिल्कुल। यार मैं 9th में हूं, जिस दिन मैं अच्छा दिखता हूं उस दिन मम्मी व्लॉग नहीं बनाती मेरा, कल मैंने शर्ट पहन रखी थी ब्लैक कलर की, इन्होंने मुझे व्लॉग में ही नहीं लिया था, मैंने इसे मना कर रखा था, तैयार क्यों होगा जान के नजरें लग जाती है, नजरें जवान लड़का है, नजर नहीं लगाएंगे, जवान लड़का भी चप्पल उठा के सही कर दूंगी मैं, जवान लड़का, सिंपल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये मेरा मोटो है, वो बात अलग है, आई एम आल्सो मोटो, बस मेरा मोटो भी वही है, क्या बात है, अंश को समझ नहीं आया लग रहा है मेरा। हाँ हो गया, मैं चल मेरी चाय बन गई, मैं तो चाय पीती हूँ, ठंड में तेरी मैगी रेडी है, खा ले, मिलती हूँ अभी, है ना, इसको पकड़ रखा पहले, मैं इससे बात पूरी कर लूँ। फाइनली रात के बज गए हैं 9:45 और मेरी अब इससे बात हुई है, इतना बिजी व्यक्ति है हमारे घर का ये, इतना बिजी, इससे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट, तो हो गई बात, हम माँ बेटों की बात थी, कोई मतलब ऐसे बेमतलब की बातें थी बिना सिर पैर वाली, और मुझे करनी है इससे, और मैं किससे करूँ बताइए, इन लोगों से ही करती हूँ मैं हर तरह की बातें, प्रॉपर टोटल बकवास बातें मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, और ना उल्टी सीधी रील्स बनाती हूँ, फिर इन लोगों को दिखाती हूँ, और इनका फेस देखती रहती हूँ, मैं फोन में नहीं देखती, फोन में ये दोनों देखते हैं, और मैं इनका फेस देखती रहती हूँ, बोलकर रिएक्शन नहीं देता, रील्स में कोई कमेंट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, तो मैं लाइव रिएक्शन इन लोगों के ले लेती हूँ। कैसी लगी तुझे आज की मेरी रील्स? जवान मुंडा है ना, तेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी, कह दे अपने फ्रेंड्स एंड और सब फ्रेंड्स से, लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद आपका इतना ये अमूल्य जो आपने 3 शब्द बोले हैं, अब फिर 3-4 दिन बाद आऊंगा व्लॉग में, इन 3 शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन की छुट्टी, देखो ये बात, इतनी बातें हो गई मेरी इसके संग, बट इस लड़के ने मुझे ये बात नहीं बताई, मैं सुबह की टेंशन में अभी से हूँ कि सुबह क्या बनाऊँ, क्या टिफिन बनाऊँ, इसे क्या,
भैया मारो मारो मुझे मारो कुछ समझ। इसने मुझे मार दिया, अब इसका क्या होगा? अगर मेरी याददाश्त खो गई अंश तो फिर उसका पासवर्ड तो मुझे ही पता है, आपकी याददाश्त का करो क्या। चलिए ओके बाय, अब इसका मूड आ गया बात करने का। जब मैं थकने का सोने का टाइम होता है तब इसकी एनर्जी चार्ज होती है मुझसे बात करने के लिए। और आज का मैं अपने ब्लॉग का टॉपिक भी लिखूंगी, अंश के पास नहीं है समय मुझसे बात करने का। बाय, टेक केयर। और हाँ, क्या कहना था, इम्पोर्टेंट बात तो मैं कहना भूल गई, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।